अब यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज क्रोमोप्लास्ट है जनरली कहाँ पे, फ्लावर का पेटल्स कहते हैं, या कोई कोई फ्रूट जैसे तुमको एप्पल रेड कलर दिख रहा है, कोई दूसरा तो उसे पाया जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे भी ग्रीन पार्ट है उसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। सीड में, फ्रूट्स में, फ्लावर में क्या पाया जाएगा, और ल्यूकोप्लास्ट मेनली रूट में पाया जाएगा। और परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, मतलब फूड को स्टोर करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेगा, स्टार्च को स्टोर करेगा, वाइल्स को स्टोर करेगा, जैसे इलायोप्लास्ट, ये सब एलिडोप्लास्ट, ये सब बोलते हैं हम लोग, ठीक है। या तो ये चीज़ को अपने से यहाँ पे अप कर लिए। अबे कि एक जो क्लोरोप्लास्ट किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ, क्लोरोप्लास्ट को मेनली दो भागों में डिवाइड करते हैं, ग्रैनम और स्ट्रोमा। मतलब कि नहीं पढ़े हो ग्रैनम और स्ट्रोमा, अभी स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया है। क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया गया है? डीप कहाँ बता रहे, किताब में दिया हुआ है तुम्हारे, ग्राना स्ट्रोमा दिया होगा भाई, ऐसा नहीं है कि ग्राना स्ट्रोमा इतना माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ इम्बेडेड यहाँ पे लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, ये सब तो इसमें भी दिया है, राइबोसोम। सीधे बहुत शॉर्टकट है, अरे एक लाइन जोड़ लोगे ना, कोई बात नहीं है। ग्रैनम लिखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोमा एंड ग्रैनम, इतना और कुछ नहीं। जिस दिन मैम तुम लोग को ग्रैनम या थाइली क्वार्ट्स स्कूल में या कॉलेज में एक बार भी वर्ड बोला गया, हमको फिर कहना, हम फिर रिपीट करेंगे। लेकिन ये चीज़ याद रखना कि मान ली कि स्कूल में भी तो कुछ एक्स्ट्रा बताया जाता है कोई कोई चीज़, तो जहाँ पे स्कूल में तुमको लगता है कि स्किप हम कर गए या वहाँ पे एक्स्ट्रा बता दिया गया, तो हमसे फिर पूछ लो, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोमा एंड ग्रैनम, ठीक है। तो ये चीज़ अब है कि ये क्या है, ये साइट। अब अगर सीधे क्लोरोप्लास्ट का हो जाए तो क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या है, ये किचन कहलाता है प्लांट का, क्योंकि यहाँ पर भोजन बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है। अगर और स्टोरेज वाला ल्यूकोप्लास्ट किया था ये चीज, उसी तरह एक राइबोसोम के विषय में भी, राइबोसोम का नाम सुने हो? राइबोसोम के विषय में बहुत सारा चीज टिपिकल वर्ड है। सबसे पहले तो ये इसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री, हम नहीं भी लिखते तो तुम लोग जानते हो, ठीक है, लेकिन हम भी लिख दिए प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। अबे कि क्या क्या राइबोसोम के विषय में दो तीन चीज़ एकदम, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। तो विदाउट एनी मेम्ब्रेन, ये याद रखेंगे। दूसरी बात, सेल के अंदर का जो सबसे छोटा ऑर्गेनेल है राइबोसोम ही है, और एक सेल के अंदर में कौन सा ऑर्गेनेल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो राइबोसोम ही है। तो स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनेल्स, मतलब एक सेल के अंदर में जो और माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, दूसरे दूसरे चीज़ हैं, उसमें सबसे छोटा ऑर्गेनेल कौन है, राइबोसोम, और सबसे ज़्यादा कौन है, राइबोसोम। क्यों होता होगा, तो राइबोसोम देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था, और साइटोप्लाज्म में भी है, प्लस क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर है, तो इसका तो मतलब सभी जगह है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है, और उस और राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेल है, तो क्या हम लोग राइबोसोम को नहीं बोल सकते हैं ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल? बोल सकते हैं ना। कौन सा ऑर्गेनेल है जो किसी ऑर्गेन के अंदर में रहता है, ऑर्गेनेल, राइबोसोम।
ये भी बोल सकते हैं ना। तो सबसे पहले कि राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज हेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। अब उसके सिंथेसिस में बहुत सारा आरएनए, बहुत सारा अलग अलग चीज़ लिखता है। दूसरा, राइबोसोम्स डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, मतलब विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हो गया। सेकेंड, राइबोसोम्स आर स्मॉलेस्ट एज वेल एज मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत, अगर इसको केवल सुन के रहिए, इसको लिखिएगा नहीं, कि वाई इट इज कॉल्ड ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनेल के अंदर भी पाया जाता है। हाँ, राइबोसोम होता है, डीएनए भी होता है। पहला बार सुने तो आज दो बार तीन बार आज बोल देंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए, अभी लिखवाया था ना कि राइबोसोम पाया जाता है उसमें, तो ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल, ये कम से कम दिमाग में सुना हुआ तो बात रहेगा। अब एक राइबोसोम का दो सब यूनिट होता है, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, अगर ये सब पढ़ाया जाएगा तब हम भी बताएंगे। ठीक है, मतलब राइबोसोम दो प्रकार का है, 70S टाइप्स, ये तो कम से कम जानेंगे ना, चूँकि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो पढ़े हैं। टाइप्स में, टाइप्स में तुम्हारा क्या है, एक 70S 80S। ठीक है, तो 70S किस में होता है, प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, इन बोथ, प्रोकैरियोटिक्स में भी होता है एंड यूकैरियोट्स, और ये ओनली इन यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये भी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े, फिर भी एस क्या है, इसका यूनिट है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और ये दिया गया था स्वेदबर्ग एक साइंटिस्ट के द्वारा, इसलिए एस से भी लिखते हैं 70S। एक राइबोसोम दो तरह का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पे 70S, ये दोनों प्रकार के सेल में पाया जाएगा, ये केवल यूकैरियोट्स में पाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग राइबोसोम के बाद एक और स्ट्रक्चर के विषय में जान ले, ऑर्गेनेल, गॉल्जी बॉडी नाम सुने थे, ठीक है, हाँ, सिस्टर्नी। ठीक है, अब सबसे पहले गॉल्जी बॉडी को हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल, तो वो पहले यहाँ पे आता है, तो कम से कम इस चीज़ को तो नोट तो कर ही लोगे, ये दो तीन चीज़ को, जैसे कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री एकदम याद रखो, आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना उससे कोई फर्क नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम, ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल, गॉल्जी एपरेटस या गॉल्जी बॉडी भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, चूँकि कैमिलो गॉल्गी के द्वारा दिया गया था, दो तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ, एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल, इतना, सुसाइडल बैग, लाइसोसोम। तो गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी बॉडी को हम लोग क्या बोले हैं, एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि एक सेल के अंदर में प्रोटीन बन रहा है, और मान लेते हैं उस प्रोटीन की ज़रूरत कहीं दूसरे जगह है, तो दूसरे जगह भेजना पड़ेगा ना, तो भेजने के लिए इसको पैकेजिंग भी तो करना पड़ेगा। तुम्हारे घर में छठ होता है, प्रसाद कभी कभी कुरियर करके बॉम्बे भी भेजते हैं हम लोग, तो क्या होता है, डब्बा में पैक करते हैं ना। सिमिलरली कोई चीज़ प्रोटीन वगैरह सेल के अंदर बना और उसको कहाँ भेजना है, बाहर, तो पैकेजिंग का काम भी कहाँ होगा, गॉल्जी बॉडी में, और तब वहाँ से बाहर भेजा जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल, याद है। दूसरा, ये भी कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जहाँ पे गॉल्जी एपरेटस पाया जाता है वहाँ पे दूसरे ऑर्गेनेल्स आसपास में नहीं टिकते हैं, नहीं रहते हैं। ठीक है,
तो उस बात को भूल भी जाओ, लेकिन एक्सपोर्ट हाउस तो याद रखोगे, एक गॉल्जी बॉडी। तो यहाँ पे राइबोसोम के विषय में इतना चीज, तीन चार लाइन तो लिख सकते हैं ना। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोले? तो ये एक एक लाइन का ये सब आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद लाइसोसोम के विषय में पहले आते हैं, तब गॉल्जी अपरेटस पर भी आएंगे, ठीक है। टाइम अब हो जाएगा ना, ठीक है। अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया में कोई दिक्कत, राइबोसोम में, प्लास्टिड किस प्रकार के सेल में पाया जाएगा, और कुछ प्रोटिस्टेंट्स में, ठीक है, वो भूल भी जाओ, लेकिन प्लांट सेल, प्लास्टिड कितने प्रकार का, कौन कौन, ग्रीन कौन होगा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, ठीक है, पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए भी बहुत सारा है, तो पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट कैसा है, कलरफुल अदर देन ग्रीन, ग्रीन भी तो कलर है, लेकिन ग्रीन को छोड़ के दूसरे कलर इसमें क्या रहता है, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, इस कारण से इसका जो कलर चेंज हो जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, ल्यूकोप्लास्ट ढूंढना चाहेंगे हम लोग तो प्लांट के किस सेल को स्टडी करना चाहिए, रूट से कोई सेल निकालेंगे तभी निकल सकता है, ठीक है। अगर हम लोग को क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करना है तो ग्रीन पार्ट्स को, अगर पेटल्स को यूज करेंगे तो क्रोमोप्लास्ट मिल जाएगा। ये सब सिंपल सा बात है, सोचिएगा, इमेजिन कर लीजिएगा तो आ जाएगा, किताब में तो लिखा नहीं रहेगा ना, लेकिन क्वेश्चन तो कभी कभी पूछेगा, जब कहो कि ओलंपियाड देना है तो एनटीए देना है, कुछ देना है, ये सब भी तो टारगेट बनेगा। अब प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट किस चीज़ का काम किया, स्टोरेज, ठीक है। इसके बाद किचन किसको बोले, किचन किसको बोले, क्लोरोप्लास्ट, तीनों प्लास्टिड क्या एक दूसरे में चेंज कर सकता है या नहीं, चेंज कर सकता है, एग्जाम्पल भी तुमको बताएं, ठीक है, आम को देख के। अब हम लोग देखें कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बता दिए हुए हैं, ये केवल सुनो, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, एक सेल के अंदर ही है। जानते हो कि लाइसोसोम में क्या रहता है, बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव इंजाइम, ठीक है, पावरफुल डाइजेस्टिव इंजाइम, कोई भी चीज़ों को लगभग सेल के अंदर किसी भी चीज़ों को बड़े आराम से गला पचा देगा, ठीक है, डाइजेस्ट कर देगा। मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि सुसाइडल बैग कह रहे हैं, किसको, और वो है कहाँ पे, और इस सेल के अंदर में क्या है, बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव इंजाइम, लेकिन ये एक लेयर इसके ऊपर है जो इंजाइम को बाहर नहीं निकलने दिया। तुम लोग ध्यान से कभी देखे होगे, मछली जब खाते हो, खरीदते हो, तो कभी कभी मछली तीता भी लगता है, एक में बाइल वाला जो होता है, जो पित्त का थैली टूट जाता है और तब वहाँ तीतापन आ जाता है, लेकिन ठीक से जब कटिंग करता है तो मछली तीता रहता है नहीं ना, तो कभी कभी गलती से हो जाता है। सिमिलरली एक लाइसोसोम के अंदर में किस तरह का एंजाइम है, वेरी, ठीक है, और दैट हैव एबिलिटी टू डाइजेस्ट ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स। हम लोगों का सेल, हम लोग के भी सेल के अंदर स्टोमिक तो एक जगह का नाम है, और वो उसके अंदर, हम तो कहते हैं कि चारों तरफ से बंद है ना, अगर गलती से लाइसोसोम का दीवाल टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, और अपने नेचर के अनुसार क्या करेगा, सबको डाइजेस्ट कर देगा, सबको ख़त्म कर देगा। तो
ये आस्तीन की सांप की तरह है कि नहीं, सेल के अंदर उसी को ना खराब कर दिया। अगेन अगर तुमसे पूछा जाए विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, वाई इट इज कॉल्ड सो, पहले तो बोलना है कि ये क्या कंटेन कर रहा है, वेरी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। इफ द वॉल ऑफ लाइसोसोम एक्सीडेंटली ब्रोकन डाउन और नेचुरली ब्रोकन डाउन, देन एंजाइम्स स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एंड डिस्ट्रॉय और डाइजेस्ट द ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनेल्स, therefore it is called so। फिर से बोलते हैं, मेरी बात को कितने लोग पकड़ लिए बोल देंगे, एक हाथ दो हाथ वो भी, चलो पहले गर्ल्स में तुम बोलो सुसाइडल बैग क्यों बोले, हाई वेरी पावरफुल डाइट, हाँ ठीक है बोलो, ठीक है सर। सभी को जब कुछ रहे घर में, तुम्हारा सारा रूम टूट ही जाएगा तो उससे कोई मतलब है घर रहने का, नहीं ना बैठो। हाँ और आप बोलिए पीछे से, प्रांजल के बगल में हाथ उठाया बहुत, हाँ ठीक है। तुम कब से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो? नहीं अब देखो हमारा ये काम, देखो तुम अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा इम्प्रूव कर, इंग्लिश बोलोगे तब तो लिखोगे, तुम बोले एकदम 100%, हम नहीं कह रहे कि, लेकिन थोड़ा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, बोलो फिर से बोलो, द लाइबोसोम कंटेन द हाई डाइजेस्टिव एंजाइम, इफ द वॉल, हाँ ठीक है, इफ द लेयर ऑफ लाइसोसोम all the cell organelles, that's why it is called, ठीक है। तुम भी हाथ उठाए थे, नहीं कन्फ्यूजन क्यों हो गया, बोलो हम बताएंगे, उसको बताएं कि नहीं, क्या नाम बोला था तुम? केशव। देखो केशव जब फोर्स किया गया तो अंग्रेजी में बोला, नहीं तो घर में तो आवत नहीं जाते नहीं भी बोलता है वही से भी ना, बैठो हाँ तुम बोलोगे, हाँ बोलो, लाइसोसोम पावरफुल एंजाइम, एंजाइम ब्रेक थोड़ी कर रहा है, व्हेन वॉल, ठीक है ठीक बोले हो ठीक, और भी कोई बोलना चाहेगा, कौन कौन लोग तुम बोल सकते हो, रोशन भी बोलेगा तुम, और लोग कौन कौन बोलना, हाँ बोलो, ठीक है आपने एक बार और सोचेंगे तो लिखा जाएगा, कोशिश करेंगे, तुम भी बोलो बैठो, एंजाइम विल एंड डिस्ट्रॉय द अदर ऑर्गेनेल्स एंड इट लीड्स टू द डेथ ऑफ सेल, ठीक है इसीलिए इसको सुसाइडल बैग, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है गॉल्जी बैठो, गॉल्जी बॉडी को हम लोग कौन सा हाउस बोले हैं, मतलब गॉल्जी बॉडी का मेन काम है पैकेजिंग और सेक्रेशन, सेल के बाहर कोई भी चीज़ों को बाहर, अरे घर में नहीं बैठे हो प्रांजल सोफा सेट पे, नहीं वैसे बैठे रहोगे अपसेट हो जाओगे, तुमको अपना कैरियर सेट करना है, ठीक है तो हम क्या बोलें कि गॉल्जी बॉडी के विषय में अभी लिखवाएं कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी क्या क्या जान गए, गॉल्जी बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है अब गॉल्जी बॉडी किन किन चीज़ों से बना हुआ है, एक सिस्टर्नी होगा, वेसिकल्स होगा और वेक्यूल्स होगा, ठीक है तो सिस्टर्नी क्या है,
एक के ऊपर इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाएं, जब फिगर बनाएंगे तो उससे हो जाएगा, ठीक है। अभी टेंथ को भी तो निकालने दो बिना, ठीक है। वो घड़ी अपना बढ़ा के रखा, चलो। राइबोसोम याद हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद हो गया, ठीक है। टेस्ट भी तुम लोग का शायद संडे को होगा, इस बार बायो का भी होगा, ठीक है। जो पढ़ाएं वही सब में से क्वेश्चन होगा, नहीं जितना पढ़ाएंगे उतना, आज तो जो पढ़ाए हम कल देंगे भी नहीं क्वेश्चन, ठीक है। ये अब देखो, और किसी को पहले डाउट तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ओमनी सेलुला ए सेलुला व्हाट डज इट मीन, न्यू सेल ये किसने प्रोक्लेम किया, रुडोल्फ वर्च्यू किया था, हाँ ठीक है। अब अरे साइंटिस्ट तुमको बना दिया, कम थोड़ी है, अरे हम जान रहे हैं ना, उतने देर से देख रहे हैं ना, झूठ सच का पता लग रहा है, वो झूठ ही बोल रहा था। अब हम लोग कहें कि सेल थ्योरी किसने दिया, स्वीडन 38 और स्वान 39, ठीक है। अब ये इसने दो अगर बात कहा जाए सेल थ्योरी का, तो कौन सा दो बात है, और मतलब ठीक है, दूसरी बात कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी एक या एक से अधिक सेल से बना हुआ है, मल्टी, चाहे वो प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल हो, किसी भी कंडीशन में फंडामेंटल स्ट्रक्चर एक होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज, और ओमनीसेलुलर तो जोड़ा ही था, लेकिन इतने सारे सेल मिलके एक कोऑर्डिनेशन करके काम करता है, याद रखेंगे। तो ये भी हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग राइबोसोम, इसमें देखिए और कौन कौन ऑर्गेनेल का बचा है, साइटोप्लाज्म किसको कहेंगे, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, हाँ न्यूक्लियस भी बचा हुआ, अभी न्यूक्लियस। देखो एक चीज़ ये भी जान जाओ एक्स्ट्रा में ही, एक सेल के अंदर सबसे बड़ा अगर ऑर्गेनेल कहा जाए, कंपार्टमेंट या कंपोनेंट कहा जाए, तो न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है। न्यूक्लियस से छोटा क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट से छोटा माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे बड़ा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से छोटा क्लोरोप्लास्ट से छोटा। तो अगर तुमसे पूछे एनिमल सेल में सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, चूंकि एनिमल सेल में तो नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग न्यूक्लियस एक दिन पढ़ लेंगे तो हमको लगता है कि सेल में ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। प्लस आप एनसीईआरटी में जैसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, व्हाट डज इट मीन, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस रेफर्स टू द फेनोमेनन इन विच आरईआर प्रोड्यूस या सिंथेसाइज प्रोटीन एसईआर लिपिड एंड बोथ आर द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इवेंट, सो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, दिया हुआ है किताब में ना, उसी तरह आइसोटोनिक हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का भी तुम लोग को इसी में है, पढ़े हैं, ठीक है। किताब तो हम देख लिए तो इसीलिए समझ में आ जा रहा है कि क्या क्या है। चलिए इसमें हम लोग अब न्यूक्लियस को अभी नहीं बताएंगे, लेकिन एक ट्रू न्यूक्लियस होता तो क्या, न्यूक्लियस को डायरेक्टर कहते हैं मालूम है, क्यों, कंट्रोल करता है, ठीक है, हम कंट्रोल यूनिट सीपीयू जो भी उसको कह लो। आगे देखिए केशव, तो फैन नहीं चल रहा है तो क्या करोगे, सब कुछ तो उसी तरह से है, ठीक है। हम लोग आगे, अब चूंकि आगे स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, बंद बंद हो गया,